नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हाईलाइट की, यहाँ पे आ जाए अल्टीमेट वाले में, हाईलाइट बॉक्स है, यहाँ से आप हाईलाइट हाईलाइट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो अब कैसे ऐड करना है, इस पर क्लिक करो, ठीक है, तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहा है यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करो, यहाँ पे मीडिया को इमेज ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इमेज ऐड करना है तो वो कर लो, पहले मैं इमेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ से कोई, ये मैं इमेज ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है पैराग्राफ टेक्स्ट कुछ भी आपने लिखनी है, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, मेरे ख्याल से इमेज ऐड नहीं हुआ अभी, ओके। अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी लिख लो, मैं लिख लेता हूँ यूनिक विजन, सॉरी अच्छा ये मैंने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास उसकी अलाइनमेंट कहाँ पे करनी है, आपने यहाँ पे उसको कोई यूआरएल देनी है कि नहीं, ठीक है। यूआरएल ओपन कहाँ, न्यू टैब में होगी, यहाँ नो फॉलो ऑप्शन टू लिंक, और यहाँ से आप जो है जो ऑलरेडी आपके पेजेस बने हैं उनका भी लिंक दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, डिफॉल्ट विड्थ होनी चाहिए मैक्सिमम या फुल विड्थ, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड में आ जाओ, बैकग्राउंड में उसका जो आपने बैकग्राउंड कलर रखना है, मैं फर्ज करें ये रखता हूँ, और जब उसके ऊपर माउस लेके जाए तब उसका कलर क्या होना चाहिए, मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। टॉप पैडिंग, बॉटम और लेफ्ट राइट पैडिंग उसकी कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ से, ठीक है, वो चेंज कर सकते हो। आईकॉन में अगर आपने भी लगाना है तो यहाँ से आईकॉन को भी आप लगा सकते हो, ठीक है, कस्टम आइकन भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये टाइपोग्राफी यानी कि टेक्स्ट के स्टाइल्स होते हैं जो आप यहाँ से करना चाहते हो, ठीक है, कलर, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, और उसके बाद फॉन्ट फैमिली कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से न्यू कलेक्शन ऐड कर सकते हो, फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए वो मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, ठीक है, और लाइन हाइट, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ से सेव करने के बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। अपडेट होने के बाद मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो वहां पे आपको हाईलाइट बॉक्स का इफेक्ट मैं शो कर देता हूँ किस तरह से वो वर्क करता है। अच्छा ये भी अपडेट हो जाता है, ओके अपडेट हो गया, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमें शो कर देगा अभी, तो ये हमारे पास हाईलाइट बॉक्स ऐड हो गया, ठीक है। जैसे मैं माउस लेके जो हमने उसका कलर चेंज किया था वो हमें शो हो रहा है ग्रीन, और पहले उसका जो है येलो, जैसे माउस ऊपर लेके आता हूँ तो वो ग्रीन शो होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है हाईलाइट बॉक्स को भी आप ऐड कर सकते हो अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में।